गाइस आज हमारा जो सेशन है वो टाइम स्पीड का थर्ड सेशन है, और आज हमारे ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर पूरा भी हो जाएगा। और आज का जो टॉपिक है हमारा इस सेशन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से मोस्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन पुटअप किए ही किए हैं। तो ये जो टॉपिक आज का चलेगा, आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से करें। मेरी आवाज़ क्लियर है आप सभी को? जी हाँ जी सर। तो लास्ट सेशन में जो हमारा प्रीवियस सेशन गया था, उस दिन मैंने आप लोगों को जाते जाते एक औसत चाल का फॉर्मूला बताया था, और उस फॉर्मूले के बिहार पर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी करवाया था। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए औसत चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है, और जब कोई भी व्यक्ति मतलब समान दूरी एक जैसे डिस्टेंस, जैसे कोई बाजार गया और बाजार से वापस आया, तो 4 किलोमीटर अगर मार्केट जाने में था तो आने में भी 4 किलोमीटर है, ठीक है। जब समान दूरी अलग अलग चाल से, मतलब गया मान लीजिए भागकर, भागते समय मान लीजिए इसकी चाल हो गई 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आया धीरे धीरे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दूरी तो वही तय कर रहा है 4 किलोमीटर, लेकिन इसकी स्पीड जो है, जो चाल है, वो कम ज्यादा हो रही है। तो जी अगर इस टाइप का कंसेप्ट आता है, अलग अलग चाल है, तो वहां पर जब दूरी बराबर हो, D1 D2 बराबर, मतलब जाने का और आने का दोनों बराबर हो, तो औसत चाल निकालने का उस दिन मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला बताया था वो ये बताया था कि 2 × S1 × S2 / में S1 + में S2, ठीक है। और इसके भी यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया भी था, जो कि ये क्वेश्चन था। इसी बिहार पर एक दूसरा क्वेश्चन है, वो करने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे या फिर बताइए, ये क्वेश्चन क्या क्लियर है आप लोगों को जो क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर हो रही है? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, बना लेते हैं फटाफट। रिवीजन कर लेते हैं जी। करके देखिए अब आप लोग। तो जरा फार्मूला एक बार दिखा दीजिए, 2 × S1 S2 वाला। ठीक, थैंक यू सर। इसको ये वाला तो कर लिया था ना सर पहले। ठीक हाँ, एक बार रिवीजन कर रहे हैं। है, आंसर अपने चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे। ठीक ओके, ठीक है। मोस्टली का जवाब सही है। मोस्टली क्या मतलब, सबके सही है, जितने भी जवाब आप लोगों ने दिए हैं सभी के सही हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि कोई जहाज है, वर्गाकार क्षेत्र है, स्क्वायर एरिया है वो, और उसके चारों तरफ उड़ रहा है, ठीक है, और हर स्क्वायर साइड पे उसकी स्पीड कभी 100 किलोमीटर पर आवर है, कभी 200 किलोमीटर पर आवर है, कभी 300 है, कभी 400 है, तो उसके एवरेज स्पीड क्या होगी? फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए एक बार आप लोग।
जवाब किसी का नहीं है अब तक। ठीक है, ठीक गलत आंसर है अब तक आप लोगों के। शिवेंद्र जी, क्या आंसर आया आपका? कर रहा हूँ सर अभी मैं। आंसर बताइएगा मत प्लीज, मैं कर रहा हूँ। सिर्फ 5 या 6 कैंडिडेट ने रिप्लाई किया है। मेरा हैंग हो गया लैपटॉप, मैं इसे अभी कर। मैंने जी आंसर दिया है। ठीक है, देखिए आंसर जो है आपका सिवेंद्र जी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कैसे आया वो मैं बता देता हूँ। अब आप लोगों की जिनकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्क्वायर एरिया है। स्क्वायर एरिया का मीन्स आप लोग समझते हैं कि एक वर्ग है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए ये स्क्वायर हो गया। जस्ट ये स्क्वायर एरिया है। ठीक है, तो अब इसने कहा है कि जो एरोप्लेन उड़ रहा है उसकी स्पीड जो है हर साइड पे मतलब चेंज हो रही है। जैसे इस तरफ हमने मान लिया 100 किलोमीटर पर आवर, इधर मान लिया 200 किलोमीटर पर आवर, इधर मान लिया हमने 300 किलोमीटर पर आवर, और इधर मान लिया 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कह रहा है उस हवाई जहाज की औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है उस दिन भी बताया था, दूरी बटे में चाल, मतलब यानी कि टोटल डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, समय, दूरी बटे में समय। ठीक है, तो दूरी बटे में समय मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस तो हमें नहीं पता टोटल कितनी है। ठीक है, और टाइम भी नहीं पता कि कितना टाइम है या क्या है। तो अब हम निकालेंगे कैसे? देखिए यहाँ पर हमें ये दे रखा है, हमें लेट करना पड़ेगा कि टोटल जो डिस्टेंस है कुछ भी सपोज कीजिए 1000, 1100, 1200, 1300 कुछ भी, लेकिन ऐसी संख्या आपको लेट करनी है जो इन चारों को डिवाइड कर दे इजीली। ठीक है, मान लो 500 दिया डिवाइड, हाँ बिल्कुल सही। तो 1200 को हमने लेट कर लिया कि इस स्क्वायर के जो मतलब साइड है वो 1200 किलोमीटर के है। ठीक है, तो जब एक साइड 1200 किलोमीटर है तो मान लीजिए 100 पर किलोमीटर आवर जो चल रहा है तो 1200 किलोमीटर करने में इसे कितना टाइम लगा? 12 घंटे लगा या नहीं लगा? ऐसे ही 200 पर आवर के हिसाब से 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगा? 6 घंटे। ऐसे ही 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूरी तय करने में कितना टाइम लगा? 4 घंटे। और 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे। 3 घंटे लग जाएंगे। अब देखिए हमारे साथ 1200 किलोमीटर किस उस से लिया है, ऐसी संख्या हमने लेट की है जो ये 300, 400, 100, 200 चारों को डिवाइड करे। मैंने 600 लिया था, उससे हो गया था। 600 भी हो जाएगा बिल्कुल। एक्चुअली 600 में होता क्या है, पूरा पूरा 400 और 600 नहीं कटेगा। 1.5 आएगा। वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए 600 के बजाय 1200 लोगे तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इजी रहेगा। इसीलिए टाइम रखा मुझे जी। तो अब देखिए, अब हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम था औसत चाल निकालने के लिए, एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस टोटल हो गई 1200, 1200, 1200, 1200, कितने हो गए टोटल? 4800 किलोमीटर। राइट,
और टाइम कितना हो गया, 12 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 12, 18, 4, 22 और 3, 25। तो टोटल जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 192 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। सर इसमें एलसीएम के अकॉर्डिंग करेंगे हम? एलसीएम तो लिया ही नहीं है मैंने, नहीं तो उनका LCM 1200 तो 1200 आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वो भी बात सही है, आपने एलसीएम मेथड से कर लिया, ठीक है सबका एलसीएम ले लिया, वो भी बिल्कुल जो आपका मेथड है तरीका है वो भी सही है। मैंने वैसे गैस किया है, मतलब मैंने एलसीएम में, आप खुद मन से गैस कर सकते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो भी वे सही है, एक ही चीज आएगी। क्वेश्चन क्लियर है सभी का? जी यस सर। इसमें वो वाला फार्मूला तो लगा ही नहीं, कौन सा एवरेज वाला? एवरेज स्पीड का एक ये भी तो है मेन फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वो कब था वो देखो ना, किलोमीटर, वो हमने अभी किस पे किया, वो क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा है कि जब एक जैसी दूरी हो, अलग अलग चाल हो, ठीक है, और यहाँ पर चार चीजें दी हुई है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, और मैंने तो आपको 3 तक का फॉर्मूला बताया है। हाँ ठीक, समझ गए ना? तो हाँ, इन पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से किस बेस के क्वेश्चन दिया है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीजिए, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप का मैं पहले भी आप लोगों को करवा चुका हूँ, और औसत चाल के जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया एवरेज स्पीड का, उस क्वेश्चन उस फॉर्मूले के यहाँ पर भी हो जाएगी, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर वापस दिया है मैंने आप लोगों को। आंसर अब तक सिर्फ एक कैंडिडेट का सही है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आंसर सही है सर मेरा। हाँ शिवेंद्री आंसर सही है, 7.2 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, विद्यालय से घर की टोटल दूरी है ये, आने जाने में, ये आने जाने में दूरी है, एक तरफ की अगर दूरी की बात करूं तो वो 3.6 किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो कैसे आया गाइस देखते हैं। देखिए जहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर देखो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दूरी सेम हो लेकिन चाल अलग अलग है, 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, जा तो विद्यालय ही रहा है ना। ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे विद्यालय जा रहा है तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, उसमें 2 × S1 × S2 / S1 + S2 राइट, तो 2 × 4 × 6 S1 + S2 = 10, तो ये हो गया हमारा 8 × 6 = 48 / 10 मींस 4.8। ठीक है, तो ये तो आ गया है हमारा, ठीक है 4.8 आ गया। अब ये आई है चाल, ठीक है,
ये है चाल, ये स्पीड ही तो आई है, एवरेज स्पीड ही तो आई है, चाल आई है, ठीक है 4.8। अब अगर मान लीजिए मुझे एक मिनट, ये क्या है, ठीक है, हाँ देखिए ये हमारा स्पीड आया है। अब हमें निकालनी है दूरी, तो हमें पता है कि स्पीड जो होता है वो दूरी बटे में समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। दूरी हमारी है 4.8, डिस्टेंस हमें पता ही नहीं, निकालना है भाई, तो डिस्टेंस को हमने डी एज इट इज कर दिया, और समय दे रखा है, टाइम जो है टोटल टाइम कितना है 90 मिनट, ठीक है। तो अब 90 मिनट है, तो 90 मिनट को मैं अगर आवर में कन्वर्ट करूं तो अपॉन में 60 भी आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब मुझे डी निकालना है, तो ये 60 तो चला गया आपका, कहाँ गया बताइए, ऊपर रहेगा नीचे जाएगा, क्या करूं मैं 4.8 इंटू में यहाँ पे 90 करूं 60 करूं, 90 आएगा, इधर 90 आएगा इक्वल टू डी इंटू 60 आएगा, हाँ जी ठीक है, और 60 जो है इधर डी 60 आएगा, तो 60 यहाँ से वापस मैं नीचे लाऊंगा तो डायरेक्ट ही नीचे कर दिया मैंने, ठीक है, और पॉइंट को हटा के मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, 4.8 था तो पॉइंट हटा के 10 कर दिया, ठीक है। पहले ये बताइए आप लोगों को समझ में आया सबको, ये क्लियर है 60 नीचे कैसे आया, ठीक है मुझे ठीक है। देखिए ये 0 से 0 हो गया हमारा कैंसिल, ठीक, और उसके बाद आपका ये हो गया आपका 6 1 6 और 6 8 48, 9 8 72 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 7.2 किलोमीटर। मैंने बताया ना ये साइड जो है टोटल आया, टोटल डिस्टेंस आया, टोटल डिस्टेंस हमें थोड़ी चाहिए, सिर्फ घर से विद्यालय की दूरी, तो घर से विद्यालय की दूरी अपॉन में 2 कर दो, इट मींस 3.6 किलोमीटर, दिस इज द आंसर, क्लियर है ये। अब देखिए ये तो अभी जो मेथड चल रहा था उस मेथड से बताया, अगर बाय द वे आप ये मेथड भूल जाते हैं, क्योंकि आपके सामने तो ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, अगर ये मेथड भूल जाते हैं और ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं लेकिन आपको मेथड याद नहीं आ रहा, तो दूसरा मेथड याद है, दूसरा कौन सा है, याद कीजिए शुरू में ही मैंने स्टार्टिंग में जब मैं ये कंसेप्ट शुरू कर रहा था, ठीक है, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला T1 प्लस में T2 याद है, कुछ ऐसा बताया था मैंने, यस सर बताया था, जी सर टाइमिंग का डिफरेंस है, दोनों के टाइमिंग टोटल लग रही है 90 मिनट, 90 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया, और T1 की वैल्यू, T मतलब यानी कि समय बराबर डिस्टेंस अपॉन में आपकी वही चाल, तो डिस्टेंस अपॉन में 4 और इधर D अपॉन में 6, 90 अपॉन 60 मतलब 0 0 कैंसिल, 3 अपॉन 2, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आ गया 12, ये 3D, ये आपका 2D और इधर 3 अपॉन में 2, ये हो गया आपका 5D, 5D अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, डी हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इवेल्यूट करनी है, तो हो क्या जाएगा 3 अपॉन 2 एज इट इज, 5 आ जाएगा आपका नीचे और 12 चला गया आपका ऊपर, 2 6, ठीक है 2 6 आपके 12 हो गए, और इधर 18 अपॉन में 5 डिवाइड करेंगे तो 3.6, दिस इज द आंसर, जी सर। क्या आप सभी का ये कंसेप्ट क्लियर है, किसी को पूछना हो तो बता देना आप लोग, ठीक है मैसेज कर देना, ठीक है तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइज, यहाँ चेंज हो जाता है, टाइप चेंज हो जाता है, सापेक्षिक चाल पे आते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सापेक्षिक चाल एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, मतलब रिलेटिव स्पीड कहते हैं, तो ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जैसे सपोज कीजिए मैं चल रहा हूँ और मेरे साथ कोई दूसरा बंदा भी चल रहा है, हम दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं या एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, लेकिन मैं कंपैरिजन अपने आप की उस व्यक्ति से कर रहा हूँ या वो व्यक्ति अपने आप की कंपैरिजन मेरे से कर रहा है, तो उसी चीज को हम सापेक्षिक चाल कहेंगे, मतलब यानी कि वो एक दूसरे के सापेक्ष में एक दूसरे से कंपैरेटिव कर रहे हैं कि भाई कौन किस से तेज जा रहा है या कम जा रहा है या बराबर जा रहा है या कितनी दूरी है दोनों के बीच में, इसी को हम सापेक्षता कहते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए दो वस्तु है,
और एक ही दिशा में गतिशील है, तो वहां पर अगर रिलेटिव स्पीड फाउंड आउट करनी है हमें, तो वहां पर फॉर्मूला हो जाता है S1 - S2। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड जो होगा S1 + S2। देखिए अपोजिट होगा तो हरदम जुड़ेगा, याद रखना, ठीक है, अपोजिट होगा तो वो प्लस होगा, और अगर ए सेम डायरेक्शन में है तो उनकी दूरी कम होगी, तो इसलिए वहां पे घटा दी जाती है S1 - S2। सापेक्षिक चाल का जो फॉर्मूला, चाल मतलब वो स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो वही सेम है और कुछ अंतर नहीं है। क्लियर है यहां तक? ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, मैंने क्या कहा है कि सापेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड, अगर मान लीजिए एक ही दिशा में है तो S1 - S2, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो S1 + S2। इसके भ्याप पर हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दो व्यक्ति है, एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, एक पॉइंट से चलना शुरू कर रहे हैं वे लोग, ठीक है। तो मान लीजिए यहां से दोनों चले, तो एक जा रहा है 4 km/h की स्पीड से, और दूसरा जो जा रहा है आपका बंदा, ये जा रहा है 6 km/h की स्पीड से, ठीक है। तो कह रहा है द ट्रेवल, उसके बाद देन आफ्टर हाउ मच टाइम, तो कितने समय के पश्चात उनके मध्य की दूरी जो होगी, ठीक है, जैसे कि अभी चलेंगे तो एक ही लाइन पे, मैंने अलग अलग किया है क्योंकि एक ही पॉइंट से चल रहे हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, लिखा है लास्ट में एक ही दिशा में, अगर वो गतिशील हो तो यहीं पे चल रहे, 4 km की स्पीड से, 6 km की स्पीड से। तो देखिए 4 और 6 जब शुरू में ही चलना शुरू करेंगे तो 1 घंटे के अंदर प्रति घंटा ही आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर का अंतर है या नहीं है। जब दोनों एक साथ चलेंगे तो 1 घंटे में उनमें के बीच में 2 किलोमीटर का गैप आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि एक दिशा में गतिशील होंगे तो 10 किलोमीटर की दूरी कब होगी। बहुत आसान है, पढ़ते ही क्वेश्चन आ जाना चाहिए, मैंने बता भी दिया आधा तो आपको क्या है। वेरी गुड, नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है, अंदाजा वैसे ही लगा दिया कि 1 घंटे में जब 2 किलोमीटर का अंतर है तो 5 घंटे में 10 किलोमीटर का होगा, तो द आंसर इज 5 आवर्स, ठीक है। अगर फॉर्मूले के बिहाफ पे आप करना चाहे तो फॉर्मूले के बिहाफ पर भी आप कर सकते हैं इसे। कैसे करेंगे फॉर्मूले के बिहाफ पर, हमने अभी पढ़ा, ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि रिलेटिव स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है, और उसने पूछा है कितने समय पश्चात टाइम पूछा है, तो टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन में रिलेटिव स्पीड, सो डी डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर एंड रिलेटिव स्पीड। देखो एक ही दिशा में हो तो मैंने अभी बताया ना घट जाएगा S1 - S2, तो यहां पर कितना आ जाएगा, घटाने पर 2 आ जाएगा और कैंसिल करने पर 5, ये हमारा फॉर्मूले के बिहाफ पर आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ये सर अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए और आराम से कर सकते हैं। एक चोर है, कार की चोरी कर रहा है 1:30 बजे, 40 km/h की स्पीड से कार को चला रहा है, भगा नहीं रहा, सोच रहा है कौन आएगा पकड़ने, आराम से लेके जा रहा है बेचारा, ठीक है, लेकिन मालिक को पता लग जाता है, चोर का पता 2 बजे लग जाता है, तो कार का जो मालिक होता है क्या करता है, 2 बजे उसका पीछा करना शुरू करता है, और किस स्पीड से, 50 km/h की स्पीड से, तो कितने बजे वो चोर पकड़ा जाएगा। इधर लिखा है दूसरा वर्ड, चोर का पता दोपहर 2 बजे लगता है, मतलब 2 बजे चोर पकड़ा गया है या फिर चोर ये पता चला कि चोरी हुई है, मतलब चोरी हो गई है, चोरी का पता दोपहर 2 बजे लगता है ना। जी यहाँ पर ये स्टेटमेंट चोरी आने का, थेफ्ट का पता लग रहा है।
अब तक किसी का भी आंसर सही नहीं। अच्छा कितने बजे? अच्छा ठीक, अभी आंसर बता देंगे, रुक जाइए कर लेंगे। नहीं सकते ठीक है गाइज, मोस्टली आंसर आ चुके हैं और आंसर जो है मोस्टली गलत ही है। ठीक है, जिसका भी सही होगा अभी पता लग जाएगा। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन पहले बता रहा हूँ, फिर आंसर खुद ही मैच कर लेना आप लोग। देखिए क्या कहा जा रहा है, चोर जो है, जो थीफ है वो कार, 4 बजे आंसर है। हाँ बिल्कुल, तो थीफ जो है कार की जो चोरी कर रहा है, उसकी थेफ्ट जो कर रहा है 1:30 बजे कर रहा है। क्वेश्चन देखिए यहीं पर आधा सोल्व हो जाता है अगर आप लोग ध्यान से पढ़े तो। 1:30 बजे उसने गाड़ी चुराई, 2 बजे मालिक को पता लगा, आधे घंटे बाद पता लगा, तो इस 30 मिनट के अंदर गाड़ी मतलब आगे निकल गई होगी। पहले गाड़ी 20 किलोमीटर, क्यों? क्योंकि 1 घंटे में गाड़ी कितनी जा रही है, 40 किलोमीटर, तो 30 मिनट में गाड़ी कितनी गई, 20 किलोमीटर आगे गई। ठीक है, तो अब मालिक के बीच में, मान लीजिए मालिक ने घर से चलना शुरू किया, जो चोर है उनके बीच में अब 20 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, तो कह रहा है कि कार का मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अब पीछा करता है। अब देखिए सपोज कि ये 2 बजे ये यहाँ पे मालिक है और 2 बजे 20 किलोमीटर आगे यहाँ पर चोर है। ठीक है, यहाँ पर ओनर है और यहाँ पर थेफ्ट है, तो दोनों 2 बजे चल रहे हैं और दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का अंतर है। अगर 1 घंटे दोनों चलते हैं, 1 घंटे अगर दोनों चलते हैं तो दोनों कितने मतलब कितने किलोमीटर का गैप आ जाएगा उनमें, बताइए। 10 किलोमीटर का रह जाएगा। क्यों? मालिक 50 की स्पीड से चल रहा है और चोर 40 की स्पीड से चल रहा है, तो 10 किलोमीटर ये तो फालतू ही चलेगा ना। हर घंटे 10 किलोमीटर का फर्क आ रहा है। हाँ, तो जब 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर कवर कर ले रहा है मालिक, तो 2 घंटे में क्या 20 किलोमीटर कवर नहीं कर लेगा? ये 20 किलोमीटर का ही तो अंतर है। तो 2 घंटे का अंतर आ गया कि 2 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। 2 घंटे बाद मतलब मालिक चलना शुरू हो रहा है 2 बजे, और 2 बजे के 2 घंटे बाद मतलब 4 बजे। मुझे लगा कि थीफ भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, मतलब कि दो, मतलब ये था कि 20 किलोमीटर तो अंतर था ही था, लेकिन थीफ रुका हुआ नहीं, थीफ चल रहा है, मैंने ये सोचा था। चल रहा है थीफ, इसमें भी चल रहा है, इसमें भी चल रहा है, तो है ही, थीफ तो रुका ही नहीं है। उसी दौरान चल रहे हैं, रुका हुआ ना कि आ जाए फिर तभी चलते हैं। नहीं नहीं, तो देखिए चोर धीरे चल रहा है और मालिक तेज गति से आ रहा है, तो आधे घंटे में हुआ कि ये आधा दूरी इसके बीच बराबर पहुंच गए, और सॉरी 1 घंटे में, और जैसे ही दूसरा घंटा आया तो इसके बराबर तक पहुंच गए हैं। चोर चल ही रहा है, उसकी स्पीड धीरे है अभी। ऐसे देख लो सर, मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूं। 1:30 बजे गाड़ी चली चोर की 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, तो वो शाम को 4 बजे तक मींस 2.5 घंटे में 100 किलोमीटर चल पाएगा 1 घंटे के अंदर, और मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला 2 बजे, तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर चल लेगा, मतलब 4 बजे दोनों एक ही पॉइंट पे पहुंच पाएंगे। 4 बजे चोर पकड़ा जाए, ऐसे भी कर सकते हैं, 1:30 बजे और 2 बजे है, तो शुरू में ये तो पता ही है कि आधा घंटा चोर जो मालिक 2 बजे चल रहा है और चोर 1:30 बजे चल चुका है, तो आधे घंटे की गैपिंग में चोर 20 किलोमीटर आगे निकल गया है, जहां भी हो। ठीक है, तो यहां आधे घंटे में 20 किलोमीटर आगे निकल गया है, तो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, अगर मान लीजिए 2 बजे से लेके ही, आप सिंपल सी बात है 2 घंटा ही लगाइए, 2 बजे से लेके 2 घंटे में चोर चला 80 किलोमीटर, ठीक है, और मालिक कितना चलेगा 2 घंटे में 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तो सीधा यही दिख रहा है, ये 80 किलोमीटर ही चला, ये 100 किलोमीटर जो 20 किलोमीटर का अंतर था वो भी इसने कवर कर लिया, चोर के बराबर आ गया, ठीक है, क्लियर है सभी का? एक बात बता दीजिए पहले, सर पहले ये बताओ गाड़ी चोरी हो गई थी, मालिक की दूसरी गाड़ी कहाँ से आई उसके पास? एक ही गाड़ी नहीं है भाई, मालिक ज्यादा अमीर है, कई गाड़ियां हैं, अमीर मालिक था भाई, 2 गाड़ियां थी उसके पास। ये था क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन पूछना था, ये था क्वेश्चन। आप देखिए अगला क्वेश्चन, सर इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे एक बार उसको भी बताइए ना, क्योंकि मैं फॉर्मूला से कर रही थी बट आया तो कुछ और ही। इसमें आपने कौन सा फॉर्मूला लगा लिया? मैं ट्राई कर रही थी कि उसको करके देखूं, मैंने क्या लिया था 10 = 30/60 और पूरा होल डिवाइडेड बाय टी करके कर रही थी बट हुआ नहीं। यहाँ पे आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, हाँ ये वाले से तो इजीली बन जाएगा, कामों का फॉर्मूले में लगेंगे टाइम वेस्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन सेम है, करिए इसे। अब की बार देखते हैं कौन चोर को पकड़ेगा और कौन नहीं पकड़ेगा। बिल्कुल, देखिए शिवेंद्र जी का आंसर भी आ गया और बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट टाइम से आंसर जो मैं कंफर्म करता हूँ ना, बिल्कुल क्वेश्चन जब सॉल्व करना शुरू करूंगा तब, नहीं तो आदत होती है 6 बजे ही लाना है कैसे भी। सर लेकिन ये बताइए जो ओनर है कितने बजे शुरू की परचेज करना शुरू? 3 बजे 3 बजे 3 बजे पता लग रहा है थीफ का उसे चोरी का राउंड अप हो रहा है तो 3 बजे वो शुरू हो जाता है। सर एक बार समझा दीजिए ना, मेरा नहीं आ रहा है 6। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर लेंगे। आदित्य जी आपका गलत है अभी भी, कोई नहीं, देखिए मोस्टली कोई दिक्कत नहीं, मोस्टली वैसे सही है, एक दो को अभी भी कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 6 घंटे में गलत आंसर है, 6 घंटे में नहीं 6 बजे सर, 6 बजे आएगा, 3 घंटे में आएगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है, जो चोर है 2 बजे चोरी कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए 2 बजे हुई है चोरी और चोरी का पता लगता है 3 बजे, मतलब चोर चोरी करके ले गया गाड़ी और 3 बजे मुझे पता लग रहा है, तो 1 घंटे में चोर ने जितनी, मतलब 1 घंटे में चोर कुछ ना कुछ तो दूरी तय करेगा ही, जो उसकी चाल होगी, और चाल कितनी है उसकी 60 किलोमीटर है पर किलोमीटर, मतलब यानी कि 3 बजे अगर मालिक यहाँ है, ठीक है, सपोज कीजिए 0 पॉइंट पे, तो इससे 60 किलोमीटर आगे जो है वो यहाँ पर चोर है, ठीक, 3 बजे की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट 3 बजे की, 60 किलोमीटर आगे जो है वो चोर है, तो कह रहा है अब
कार का जो मालिक है ओनर है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये चला 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये चला 60, तो एक घंटे में इसने कितना कवर किया? 20 किलोमीटर कवर करना है टोटल 60 किलोमीटर, तो 20 गुना में 3 मतलब यानी कि 3 घंटा लगा आपका, ठीक है समझ गए ना, एक घंटे में 20 किलोमीटर कर रहा है तो 3 घंटे में 60 किलोमीटर कर लेगा, तो 3 घंटे का समय लगा इसे कवर करने में 60 किलोमीटर को, और 3 घंटे का मतलब 3 बजे चला था, तो 3 बजे के बाद 3 घंटा कितना हुआ? 6 बजे ना, तो इसलिए ये 6 बजे का जो है आपका आंसर आ गया। अच्छा ये इनटू 3 इन 6 PM इसमें ऐसे क्यों नहीं देखा, इसके जस्ट पहले वाले में तो अपन दोनों को माइनस करके लिए थे कि दोनों में गैप इतना रहेगा, अच्छा उसमें आधा घंटा था ना, ठीक ठीक ओके आधा घंटा था। अच्छा रिधा जी आपका क्लियर है अब? यस सर। और प्रिया जी आपका? श्वेता जी आपका? यस सर यस सर क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर करें, मैं नहीं चाहता किसी भी कैंडिडेट का कोई भी कंफ्यूजन रह जाए, क्योंकि बार बार चोर पकड़ा कैसे जाता है बेचारा चोर अभी नया नया है, पिछली बार भी पकड़ा, गाड़ी ले जाता है ना चोर मालिक नई गाड़ी से दौड़ता है उसके पीछे। नहीं नहीं उसको डायरेक्शन कैसे पता चलता है किस डायरेक्शन में? थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो, ठीक है कुछ नहीं है, हिंदी पढ़ेंगे आपको इजिली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो गाड़ी है, एक राइट हैंड साइड में, ध्यान दीजिए एक मिनट, हाँ एक राइट हैंड साइड में है और एक लेफ्ट हैंड साइड में, मान लीजिए एक गाड़ी यहाँ पर है, ठीक है मेरी गाड़ी भाई थोड़ी खराब बनेगी, ठीक है ये गाड़ी हो गई हमारी, ये इसकी जो स्पीड है ये 40 किलोमीटर सॉरी किसी की ये गाड़ी की मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसकी 60 है वैसे, हाँ राइट हैंड वाले की 60 है और इसकी है 40 किलोमीटर पर आवर, और इस गाड़ी के ऊपर ठीक है जो दाएं तरफ की गाड़ी है 60 किलोमीटर वाली, इसके ऊपर एक पक्षी है, एक बर्ड है, यहां पर एक बर्ड उड़ रहा है ठीक है, और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहा है, तो ये पक्षी क्या कर रहा है, कभी इस गाड़ी के पास जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है इस गाड़ी के पास, फिर इसके पास जा रहा है फिर इसके पास आ रहा है, ऐसे कर रहा है, और ये तब तक करता है जब तक दोनों गाड़ी एक दूसरे के बिल्कुल पास में नहीं आ जाती, एक साथ नहीं आ जाती, तो पक्षी के द्वारा ये जो घूम फिर रहा है ना टोटल, ये तय की गई दूरी बताइए, ये टोटल डिस्टेंस आपको बताना है, करके देखिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है बहुत, समझ गए अगर कंसेप्ट तो कर लेंगे। आंसर आने शुरू हो गए हैं, शिवेंद्र जी सबसे पहले टाइप कर देते हैं, मेरे से पहले कोई टाइप ना कर दे। नहीं ऐसा नहीं है, जिसने प्रैक्टिस कर रखी है और पढ़ रखा है ना वो आराम से क्या है क्या नहीं।
क्या क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं या फिर अभी आप लोग कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। अब की बार जो आप लोग आंसर देंगे मैं आप लोगों से पूछूंगा ये आया कैसे। अपोजिट साइड से जी, अपोजिट साइड से दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, मतलब यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। देखिए करते हैं क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है। देखिए एक गाड़ी है हमारी यहां पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक हमारी जो गाड़ी है यहां पर है राइट हैंड साइड पर। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मैंने अभी बताया आप लोगों को कि 100 किलोमीटर है, ठीक है, और ये कहा है इस गाड़ी की जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और इस गाड़ी की जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है। आपको पता है एक घंटे में ये गाड़ी अगर 40 किलोमीटर चलती है तो एक घंटे में ये गाड़ी 60 किलोमीटर चलेगी, राइट। 40 ये तय करेगा, 60 ये तय करेगा, दोनों मिल गए यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। हाँ जी सर। पहले तो हमने ये देख लिया कि गाड़ी एक घंटे में मिल जा रही है, और अभी क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि उस पक्षी की चाल भी तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ठीक है, और जब एक घंटे में गाड़ी मिल जा रही है और एक घंटे की इसकी चाल भी 80 किलोमीटर तो पक्षी कितना उड़ेगा? 80 किलोमीटर ही तो उड़ेगा। 80 किलोमीटर क्योंकि उसमें स्पष्ट है ना सर, 80 उड़ेगा सर। इस प्रकार तब तक करता है जब तक दोनों कारें मिल नहीं जाती। अब मिल गई गाड़ी एक घंटे में मिल गई और एक घंटे की जो चाल है इसकी 80 किलोमीटर की है, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते ही था ये, इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग का आंसर दिया। आप ये आपके दाएं और बाएं में उलझ गए सीरियसली। हाँ क्योंकि एक दाएं से चल तो दोनों आपस में सामने एक दूसरे के सामने आ रही है, ये होना चाहिए था थोड़ा सा यहीं पर ही होना। तो देखिए एक दूसरे तो गतिशील है, देखिए इसमें लिखा है कि वह एक दूसरे की ओर गतिशील है, मतलब एक इधर से आ रही है तो एक इधर से आ रही है ऐसे, ठीक है सर। मतलब जी ये जैसे ही 100 किलोमीटर पहुंचेगा वैसे ही वो 80 किलोमीटर खत्म कर देगा और वही पॉइंट होगा उनके इंटरसेक्शन का। बिल्कुल। क्वेश्चन पता है इस टाइप से थोड़ा एक्सप्लेन करके ये लोग क्यों देते पेचीदा, इसलिए ना ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ और कुछ नहीं। बाकी जो है बिल्कुल सिंपल है, पढ़ते ही जैसे हमें पता लग गया कि भाई एक घंटे में दोनों एक 40 एक 60 और दूरी खत्म हो गई 100 किलोमीटर की, एक घंटे में कवर कर लिया और उस पक्षी की चाल भी एक घंटे में 80 किलोमीटर है तो सीधी सी बात है 80 किलोमीटर ही डिस्टेंस को तय करेगा क्योंकि टाइम ही इतना लग रहा है गाड़ी को एक दूसरे को कवर करने। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखिए आज का इंपॉर्टेंट जो मैंने टॉपिक बताया था ट्रेन का ये है, इससे क्वेश्चन आपके आते हैं लगभग, ठीक है, और श्योरिटी है इसमें से पिछली बार भी आया था और उसके पिछली बार भी, मतलब 3-4 सालों के आप अगर पेपर देखेंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा ट्रेन से संबंधित। तो यहां पर एक ट्रेन है दिल्ली से मुंबई चल रही है, स्पीड है उसकी 7 किलोमीटर पर आवर की, 70 इंग्लिश वाले में गलत लिख दिया है, 60 आएगा 60. ये नॉट, हाँ 7 लिख रखा है ये गलत है, यहाँ पर 60 आएगा, आप कर दो काट को उसके लिए, ठीक है, यहाँ पर जो है 60 आएगा, ठीक है, और बाकी जो दूसरी ट्रेन मुंबई से दिल्ली चल रही है उसकी 50 किलोमीटर पर आवर है। इफ द फर्स्ट ट्रेन, पहली जो चल रही है दिल्ली से मुंबई की तरफ वो 8 बजे चल रही है और जो दूसरी ट्रेन है आपकी मुंबई से दिल्ली की तरफ वो 9 बजे चल रही है, ठीक है, तो बता रहा है ये पूछ रहा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कब करेगी, कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस करेगी, और प्लस ये भी पूछा है कि मान लीजिए ये ट्रेन दिल्ली से आ रही है
ठीक है, ये वाली ट्रेन जैसे ये दिल्ली है, यहाँ से ये चली है, तो ये दिल्ली से कितनी दूरी पर एक दूसरे को क्रॉस करेगी, लिखा भी है कि एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे और दिल्ली से कितनी दूरी पर। तो दो क्वेश्चन है इसमें, आपको उनका आंसर बताना है। ये भी बहुत इजी है, एक चीज तो सही है, थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, आपने जो आंसर दिया है थोड़ा सा गड़बड़ है, कैलकुलेशन आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिविजुअल का जर्नी टाइम तो निकल आया यार, कहाँ पे मीट कर रहे हैं आप? आपको पर्सनल में भेजा है धर्मन जी? ठीक है ठीक है, देखिए अब करते हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है इसमें। सही है कैसे मिलेगा? ये 12 घंटे बाद मिलेगी, अभी पता लग जाएगा, करने दीजिए, कई लोग अभी भी कर रहे हैं इसलिए आंसर नहीं बता रहा मैं। देखिए दिल्ली से मुंबई चल रही है, याद रखिए दिल्ली से जो मुंबई ट्रेन जा रही है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है और ये ट्रेन चल रही है सुबह 8 बजे, ठीक है, सुबह 8 बजे नहीं, सॉरी शाम को 8 बजे, हाँ शाम को 8 बजे चल रही है, ठीक है। और फिर जो मुंबई से आपकी दिल्ली चल रही है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और वो चल रही है शाम को रात को 9 बजे, ठीक है। तो देखिए एक दूसरे को क्रॉस कब करेगी और कितनी दूरी पर करेगी ये बताएगा, और प्लस ये भी बताया कि दिल्ली से मुंबई के जो बीच में डिस्टेंस है वो 1050 किलोमीटर का है, ठीक है। अब मान लीजिए ट्रेन किसी ना किसी टाइम, मतलब चाहे रात को 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे या फिर 4 बजे सुबह, एक दूसरे से एक ही टाइम पे मिलेंगी तो जरूर, मतलब सपोज कि जब हमने मान लिया कि सुबह 4 बजे ही दोनों मिल रही है, तो दोनों एक ही टाइम पे मिल रही है तो दोनों का पहले तो एक टाइम निकालना पड़ेगा कि एक ही टाइम से निकले। तो उसके लिए हमने क्या किया, जैसे ये ट्रेन निकल रही थी 8 बजे और ये ट्रेन निकल रही है 9 बजे, तो हम पहले इन दोनों को बराबर टाइम पे चलाते हैं। तो बराबर टाइम पे जैसे ही हमने दिल्ली वाले को चलाया 9 बजे तक लेके आए, तो इतने दूर में तो ये 60 किलोमीटर आगे बढ़ गई। जैसे ही 9 बजे, ध्यान दीजिए, जैसे ही दिल्ली वाली
ट्रेन चलती है और 9 बजे, जैसे ही 9 बजते हैं तो 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर की दूरी तय कर जाती है। कर जाती है या नहीं कर जाती? कर जाती है, ठीक है ना। 9 बजते ही 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर जाती है, मतलब 1050 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें से 60 किलोमीटर घट गया तो आपका ये 990 आ गया, ठीक है। इतना किलोमीटर अब वो डिस्टेंस उनके बीच में बच गया है, अब दोनों ट्रेन के बीच में। अब दोनों ट्रेन 9 बजे से चल रही है, दोनों ट्रेन ने 9 बजे से स्टार्ट करना, मतलब 9 बजे इधर से दिल्ली से, दिल्ली से, और इधर 9 बजे आपका ये मुंबई से, ठीक है। दोनों ट्रेन ने चलना शुरू किया है और चलते चलते अब ये पूछा गया कि कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर आपके पास अब जो फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि सापेक्षिक चाल निकालने के लिए रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन में टी, और हमें निकालना है कितने बजे, समय, तो समय का हो गया डी अपॉन में आर एस, ठीक है। मीन्स डी हमारा कितना है, डिस्टेंस 990 किलोमीटर, और आरएस रिलेटिव स्पीड अभी कितना आया था, रिलेटिव स्पीड ये दोनों 110 किलोमीटर, क्यों प्लस क्यों किया, रीजन बताइए मुझे। ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल ऑपोजिट, एक दूसरे के साथ आप ले आ रहे हैं ना सर। हां, तो इसलिए दोनों को S1 और S2 को हमने एक साथ जोड़ दिया, और जैसे जोड़ दिया और इसे हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 9 आवर, मतलब कि 9 घंटे के बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएगी। 9 घंटे के बाद, 9 बजे के 9 घंटे बाद, 9 बजे के 9 घंटे बाद आप लगाओ सुबह के 6 बजे, ठीक है। तो सुबह के 6 बजे तो ये ट्रेन एक दूसरे से मिल गई, और फिर उसने कहा है दिल्ली से कितनी दूरी पर। अब सुबह के 6 बजे तक दिल्ली वाली ट्रेन कितना चल रही है, 8 बजे चली थी ना दिल्ली वाली ट्रेन, 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कितना टाइम पीरियड हो गया बताइए, कितने घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चल रही थी तो 10 घंटे में कितनी चली, 600 किलोमीटर। तो दिल्ली से 600 किलोमीटर की दूरी पर वो दोनों ट्रेन एक दूसरे से मतलब मिलती हैं, या एक दूसरे के बिल्कुल समीप आएगी, या एक दूसरे को क्रॉस करेगी। जिसका क्लियर नहीं है कंसेप्ट बता दीजिए। ये 60 किलोमीटर वाला समझ में नहीं आया कि 1050 में से 60 घटाया, अपन ऐसा अगर डायरेक्टली कर सकते क्या, जैसे यानी कि अपन पहले इसकी चाल निकाल ले कि ये 17 घंटे 17.5 घंटे में ये डिस्टेंस कवर कर लेगी 1050, और दूसरी वाली 21 घंटे में कवर कर लेगी 1050, ठीक है। अब दोनों का मिलान बिंदु के बीच वाला पॉइंट निकालना है कि हाँ, तो ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चली तो ये 60 किलोमीटर चल जाएगी, और ये उसके बाद ये 21 घंटे, तो इसमें से इन दोनों से नहीं कर सकते क्या, मैं वो लंबा वाला लेंथी प्रोसेस कर रहा था उसे, क्योंकि वो हो रहा है आपका, वो लंबा काफी चला जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। हाँ। क्योंकि क्या है कि हाँ पता है क्या निकाल रहे हो, पहले दोनों ट्रेन की टोटल दूरी निकाल रहे हो, ठीक है, किस स्पीड से जा रही है, फिर जो एक्स्ट्रा है जो पहले चला उतना आप बाद में जाके मिलने वाले पॉइंट पे घटाओगे, ठीक है, तो वो काफी लेंथी पड़ेगा। इसमें इजी हमें पता लग जा रहा है कि दिल्ली की ट्रेन जो चली है 8 बजे और मुंबई की चली है 9 बजे, तो पहले हम दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो दोनों को 9 बजाते तो 9 बजे चलते ही 1 घंटा बीत जाता है, और 1 घंटे में दिल्ली वाली 60 किलोमीटर बढ़ जाती है आगे। अब यहां से तुरंत दोनों को बराबर किया तो रिलेटिव स्पीड का जो फॉर्मूला बता रखा वो यहां पर लग जाएगा, सापेक्षिक चाल का, क्योंकि सापेक्षिक चाल का फॉर्मूला लगता ही तभी है जब एक दूसरे के सापेक्ष में किसी चीज का पता करना है, इसीलिए फॉर्मूला बताया कि लेंथ ही आपका कैलकुलेशन ना पड़े। नहीं आया समझ, कोई दिक्कत नहीं, देखिए अब हम इसे रिवाइज करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर रह जाए। दिल्ली की जो ट्रेन है 8 बजे चल रही है, मान लीजिए ये 8 बज रहा है यहाँ पर 8 PM, ये हमारी दिल्ली की ट्रेन है इस साइड में, ठीक है, ओके, और इधर है हमारी मुंबई की ट्रेन, ये खड़ी है, तो इसने 8 बजे चलनी, ये चलेगी 9 बजे, तो 8 बजे पहले तो इसने चलना शुरू कर दिया, जैसे ही ये ट्रेन चलेगी मतलब एक ये 9 बज गए यहां पे मान लीजिए, ठीक है,
9 बजे ही यहाँ पे, ये चलते चलते 9 बज गए इसके यहाँ, तो एक घंटे इसको हो गया 8 बजे से 9 बजे तक एक घंटे की दूरी तय कर ली। एक घंटे में इसने कितना तय किया, 60 किलोमीटर, क्योंकि इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इसने 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब 9 बजे दिल्ली वाली ट्रेन हमारी यहाँ पर है और जो मुंबई वाली ट्रेन है वो यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी पहले टोटल थी 1000 यहाँ से लेकर यहाँ तक, शुरू में ही कहा है क्वेश्चन ने इसने, इनके बीच की दूरी 1050 किलोमीटर है, लेकिन जैसे ही दिल्ली वाली ने एक घंटे की दूरी तय की तो 1050 में से हमने क्या किया, तय की गई दूरी को घटा दिया, तो ये आ गया हमारा 990 किलोमीटर, इतना बच गया। अब दोनों ट्रेन जहाँ खड़ी है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बचा वो 990 किलोमीटर बचा, ठीक है। अब इसने पूछा है कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सॉरी डिस्टेंस क्या होगा जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एक दूसरे के सापेक्ष होंगी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और समय पूछा है कितने समय में, तो टी चला गया ऊपर, आर एस आ गया नीचे, तो डी अपॉन में आर एस। डिस्टेंस हमारा है 990 किलोमीटर और टाइम कितना है बताइए, टाइम तो निकालना है ना, सॉरी टोटल कितना है 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर 110, ठीक है, कैंसिल किया ये आ गया 9 आवर, तो ये टाइम आ गया, टाइम ही पूछा था, तो टाइम 9 घंटे किसके बाद है, 9 बजे के, हमने कंपैरिजन में किया था ना 9 बजे से, ठीक है, तो 9 बजे से 9 घंटे बाद की अगर टाइमिंग देखते हैं तो वो सुबह के 6 बजते हैं, 6 AM होगा, तो 6 AM दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी, ठीक है। और सुबह, और फिर इसने क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, मतलब दिल्ली वाली ट्रेन का दिल्ली से कितनी दूरी होगी, तो दिल्ली वाली ट्रेन तो चलना शुरू करी थी भाई 8 बजे, ठीक है, 8 बजे उसने शुरू किया और सुबह 6 बजे मिल रही है, तो 4 घंटे 12 बजे तक तो ये, और सुबह 6 बजे तक 6 घंटे, ये 6 4 10 घंटे, ट्रेन की चाल थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो 10 घंटे में कितनी चली, 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो दिल्ली से 600 किलोमीटर की दूरी पर वो एक दूसरे को मिलेंगे। क्लियर है सर? हमेशा जो ये टाइम बताए, मतलब जो टाइम निकालेंगे वो दूसरे वाले व्हीकल के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे? हाँ, दूसरे के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और दोनों को पहले हम टाइमिंग सेम करेंगे, मतलब यानी कि एक 9 बजे चल रही है, एक मान लो 7 बजे चल रही है, तो पहले दोनों की टाइमिंग का जो गैपिंग है ना 2-2 घंटे का, उनको हम इक्वल करेंगे, दोनों को या तो 7 बजे चलाओ या दोनों को 9 बजे चलाओ, पहले तो चला नहीं सकते, एक ट्रेन को आगे ले जाएंगे 2 घंटे बाद, दोनों को 9 बजे चला दो, इसलिए पहले वाली को, पहली वाली का डिस्टेंस इक्वल कर दिया दूसरे वाली से। बिल्कुल। अब कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो प्लीज आप लोग लास्ट स्टेप थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लास्ट में जो टाइम है डिस्टेंस वाला उसको एक बार बता दीजिए, क्या आपको 9 आवर आ गया? हाँ जी, यहाँ तक सही है, तो 9 आवर आ गया, तो 9 आवर क्या मतलब 6 बजे भी, 6 भी बज गए, उसके बाद जो डिस्टेंस रह गई है 6 बज गए ना। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर, मतलब दिल्ली वाली जो ट्रेन आ रही है वो कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी, दिल्ली से जो चल के आई है, तो दिल्ली वाली ट्रेन की स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर की है, 60 किलोमीटर पर आवर, और सुबह 6 बजे मिल रही है, तो दिल्ली वाली ट्रेन का 8 बजे चली है, 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कितने घंटे हो गए, 8 बजे से सुबह 6 बजे तक 10 घंटे, तो 10 घंटे में कितनी चलेगी दिल्ली वाली ट्रेन बताइए, 600 कैसे चली, 1 घंटे में 60 है ना, हाँ, तो 1 घंटे में 60 है, तो टोटल 600 चल गई, आ गया। कोई भी कैंडिडेट जिसको कोई प्रॉब्लम हो प्लीज आप लोग रिप्लाई जरूर करें, बताएं जरूर, मैं नहीं चाहता किसी का भी कोई इसमें डाउट रह जाए। क्लियर है? ओके, तो लिख दीजिए कम से कम सभी। यस सर, यस सर। ओके ओके, ठीक है। कई लोगों ने लिख रखा है पहले, कई लोग जवाब नहीं देते, बोलते ही नहीं है, पता भी नहीं लगता। क्लियर है सर? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा डेटा चेंज है, करिए आप लोग अब कर सकते हैं।
क्वेश्चन के आंसर सही भी आ रहे हैं, गलत भी आ रहे हैं, कृपया सभी अपनी कैलकुलेशन को एक बार देख लें, गलत नहीं आना चाहिए, मैं चाहता हूं किसी का भी गलत ना हो। गड़बड़ है आंसर आप लोगों के, काफी कैंडिडेट थी, मतलब अभी भी आप लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ। धर्मेंद्र भाई मेरा देखिएगा पर्सनल भेजा है। जस्ट एक मिनट प्लीज। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है 5 PM है और जो दूरी आएगी 350 किलोमीटर आएगा। हाँ जो 7 आवर आप लोगों ने निकाला है करेक्ट आंसर है वो। ठीक है तो अब गलत वालों का कहाँ से गलत हुआ क्या हुआ जरा ध्यान दे आप लोग ध्यान देना। देखिए ट्रेन चल रही है हमारी कितने बजे चल रही है, एक जो दिल्ली से पटना के लिए चल रही है ट्रेन वो तो 8 बजे चली। ठीक है सर वो दूरी का क्या फॉर्मूला था एक बार बताएंगे क्या, डिस्टेंस का दूरी के लिए क्या फॉर्मूला निकालना, उसमें तो सिंपल है 1 घंटे में इतनी चली 7 घंटे का हो गया 15 × 7 वो तो 5 PM आ गया मेरा पटना वाला नहीं आ रहा। हाँ तो वो तो चाल कितनी है वो 1 घंटे में वो कितनी चली 7 घंटे का आपका अंतर आया तो 7 घंटे में कितनी चल जाएगी। अरे हाँ वो तो उसमें क्या फॉर्मूला, उसमें तो आपको पर आवर के हिसाब से निकाल लो। ठीक। और पटना से जो दिल्ली वाली ट्रेन चली वो कितने बजे चली है, वो चली 10 बजे सुबह 10 बजे। देखिए अब दोनों के बीच में टाइमिंग का कितना अंतर है, 2 आवर का, 2 घंटे का। तो दिल्ली वाली अगर मान लीजिए यहाँ है और पटना वाली यहाँ खड़ी है और यहाँ पर अभी 8 बज रहे हैं और ये यहाँ पे 10 बजे चलती है, तो जब ये ट्रेन चलना शुरू होगी तब तक ये ट्रेन यहाँ पर आ गई मान लीजिए 10 यहाँ पे बजे हैं, तो इतनी देर में 2 घंटे हो गए और 2 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी 140 ट्रेन, क्यों, क्योंकि इसकी 70 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है तो इसने 140 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। और टोटल दूरी जो थी इनके बीच में वो थी 980 किलोमीटर, तो 980 में से 140 घटा दो आप कितना बचा 840। ग्रेट ठीक है 840 बच गया। अब हमारा फॉर्मूला आ जाए भाई रिलेटिव स्पीड वाला वो d अपॉन t वाला, हमें टाइम निकालना है तो t बराबर d अपॉन में rs और d डिस्टेंस हमारा 840 है और रिलेटिव स्पीड कितनी है दोनों को जोड़ो 120 00 12 × 7 = 84 7 आवर आ गया। कितने बजे के बाद 7 आवर 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद 7 घंटे कितने होंगे शाम को 5 बजे जी ठीक है और शाम को 5 बजे हो गए और इसने कहा है दूरी पटना वाली ट्रेन पटना से कितनी दूरी तो पटना वाली 10 बजे चली थी 10 बजे से 5 बजे तक कितने 7 घंटे हुए थे ना 6 घंटे में चला 50 किलोमीटर तो 7 घंटे में कितनी चली ये 7×5 = 350 यही मैं गलत कर दी मैं दिल्ली से पटना वाली कर दिया हाँ वही बस गलत कर देती बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने इस ध्यान से नहीं पढ़ा इसलिए दिल्ली से पटना वाले निकाला सर बस वो दिल्ली पटना से दिल्ली का डिस्टेंस वो रह गया थोड़ा घटाना रह गया होगा आपका वही रह गया सर बाकी टाइम आ गया था वो माइनस मैंने दिल्ली समझ लिया था वो पटना का था। अच्छा जिसके जिसके गलत है गलत आंसर आए हैं क्या सबको ये अब क्लियर हो गया है जी सर आप मानेंगे नहीं बहुत सिली सिली मिस्टेक कर रहा हूँ मैं बहुत सिली सिली अब मानोगे ही नहीं मैंने 980 में से 140 घटाया तो 740 लगा दिया मैंने 840 की जगह जल्दीबाजी के चक्कर में ये जल्दबाजी मत कीजिए बहुत ज्यादा सिली है देखिए देखिए
सीसेट का पेपर सैटरडे को है, अगर आप लोग उसमें फेल हो जाते हैं तो आपका जीएस में पास होने का कोई मीन्स नहीं बचता है। तो सीसेट यहाँ पर रितुल जी है नहीं है, रितुल जी ने मेरे को पहले फेल करवा दिया, ऐसी कोई बात नहीं। 33% आपको चाहिए ही चाहिए पासिंग मार्क है। इसमें रीजनिंग ज्यादा आता है कि मैथ्स ज्यादा आता है? इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 25 होंगे, रीजनिंग के 25 होंगे, टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, ठीक है। सैटरडे को जो वो पेपर होगा उसमें भी यही आएगा 30 25 25। जी हाँ बिल्कुल, मतलब पेपर बनेगा जो पेपर इंग्लिश ही रहती है क्या? कॉम्प्रिहेंशन तो सबके लिए इंग्लिश में ही आएगा, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश ही रहती है। इंग्लिश ही रहती है, ठीक है। उसमें कोई चीज आप लोग सोचेंगे हिंदी में लिखते हैं वो नहीं होगा ऐसा। तो यूपीएससी में सर जी तो कॉम्प्रिहेंशन से हिंदी में होता है? नहीं, एक्चुअली जो इंग्लिश के सब्जेक्ट के कॉम्प्रिहेंशन आएंगे वो तो इंग्लिश में ही आएंगे आपका। तो जिन्होंने हिंदी अगर लिया है ना 23 क्वेश्चन वो इंग्लिश में ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। लास्ट ईयर का जो पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, लास्ट ईयर पेपर पड़ा हुआ जो सी सेट का, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं पैसेजेस। सारे पैसेजेस हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। ऐसा तो खैर मैंने नहीं देखा, मैंने लैंग्वेज का मतलब तो मैं आपको भेज दूंगा, ग्रुप में डालना। हां ग्रुप में डाल दूंगा, सारे जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्चुअली मैंने कुछ पेपर देखे थे, ऐसा नहीं है, मैंने उसमें देखे तो है क्या, जो पैसेज वाले हैं ना क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को इंग्लिश में रखा है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आपका जो कर रखा है वो एक्चुअली इंग्लिश में ही है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप लोगों को जो आएगा उसमें जो पैटर्न होगा यूपीएससी का वो ही पैटर्न आएगा, कोई डिफरेंट पैटर्न नहीं आएगा। अगर हिंदी में आता है मीडियम में तो वो हिंदी में भी आएगा, और इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश में भी आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके 2.5 नंबर के होंगे, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा टोटल। 2 घंटे की वो टाइमिंग मिलेगी आपकी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी है ट्रेन के लिए है, ट्रेन से रिलेटेड है। कीजिए ऐसे डाटा में आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि टाइमिंग थोड़ी सी ऐसी दे रखी है इसमें। कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है आप लोगों की, सभी के आंसर जितने भी आए अब तक रॉन्ग है। एज्यूम करने के कोई, हाँ एज्यूम करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा ही दे रखा, टाइमिंग का इश्यू है ना इसलिए। C7
सीधा निकल जाएगा, कोई इतना नहीं है, अभी भी गलत आ रहे हैं आंसर। डिस्टेंस अज्यूम कीजिए, इजीली हो जाएगा, अज्यूम जैसे ही करेंगे इजी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं हम लोग। सर रुक जाइए प्लीज, करिए करिए। अच्छा आपने डिस्टेंस कितना अज्यूम किया शिवन जी, आंसर ऑटोमेटिक पता लग जाएगा आपका सही आएगा गलत आएगा, बताइए। मैंने टाइम बताया है 7:56 पे मिलेगी सर। करेक्ट आंसर है आपका, इससे पता लगता है कि आपकी सीसेट की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी जा रही है और प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छी की है। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक ट्रेन है दिल्ली से मेरठ के लिए 5 बजे निकल रही है, ठीक है 5 बजे निकल रही है, और मेरठ वाली सुबह 9 बजे निकल रही है। मेरठ पहुंचती है 9 बजे सर, मेरठ वाली 7 बजे निकल रही है। एक ट्रेन दिल्ली से मेरठ के लिए सुबह 5 बजे निकल रही है, ठीक है, और मेरठ सुबह 9 बजे पहुंच रही है, हाँ ठीक है, 4 घंटे की दूरी तय कर रही है, 4 आवर की जो है डिस्टेंस तय कर रही है, ठीक है 4 घंटे चल रही है ट्रेन दिल्ली से मेरठ वाली, दिल्ली से मेरठ वाली 4 घंटे ट्रेन चली है तब पहुंची है ये, ठीक है। और जो मेरठ से मतलब यानी कि मेरठ से दिल्ली आ रही है ये ट्रेन ले रही है 7/2 आवर, ये 4 आवर लिया है पहली ट्रेन ने और दूसरी ट्रेन ने 7/2 आवर। अब इसने टाइम दिया है कि भाई दिल्ली से मेरठ इतना घंटा लगा और मेरठ से दिल्ली इतना घंटा लगा, लेकिन दूरी नहीं दी, अब तक दूरी दे रहा था कि टोटल इतना डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, इस टाइप की टाइमिंग आती है, तो ऐसे में जो आप दूरी मानेंगे वो क्या मानेंगे, या तो इनका एलसीएम कर लीजिए या ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो क्या आएगा 28 आ गया, ऊपर ऊपर वाले का, नीचे का कोई मतलब नहीं है, ऊपर ऊपर वाले का। तो हमने मान लिया जो डिस्टेंस है दिल्ली और मेरठ के बीच में वो 28 किलोमीटर का है, ठीक है। तो दिल्ली वाले ट्रेन की स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस 28, टाइमिंग 4 आवर, 7 km/h की स्पीड हो गई। मेरठ वाली ट्रेन की जो स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन में टाइम 7/2, तो 2 चला गया ऊपर, 7 × 4 = 28, ये 8 km/h, ठीक है। अब देखिए ये आ गया इनकी स्पीड, ठीक है स्पीड नहीं थी तो अब स्पीड आ गई है, ये निकल रही है सुबह 5 बजे, ये निकल रही है 7 बजे, तो 5 बजे चली और एक 7 बजे चली, तो मान लीजिए ये वाली ट्रेन 7 बजे तक कितनी दूरी इसने तय कर ली, 5 से 7 बजे तक कितनी दूरी, 2 घंटा, और 2 घंटे में कितना इसकी चाल कितनी है दिल्ली वाले की, अभी कितना 7 km/h आया ना, तो 2 घंटे में कितना गया ये 40 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस ही हमारा कितना है 28, 28 में से 40 हमने घटा दिया 14, तो कितना बचा 14 किलोमीटर बच गया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस बच गया है दोनों ट्रेन के बीच में, ये मेरठ वाली ट्रेन और ये दिल्ली वाली ट्रेन के बीच में जो डिस्टेंस बच गया हमारा 14 किलोमीटर का बच गया है, ठीक है। तो इसके बाद अब जो आपका वो फॉर्मूला है RS वाला, ठीक है D/T वाला, तो टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल 14 और
उसके बाद आरएस, आरएस हमारा कितना है, चाल कितनी है, दोनों की जोड़ दो, एक 7 आ रही थी और एक 8 आ रही थी ना हमारी, 7 और 8 प्लस 15 हो गए, तो 14 अपॉन में 15, ये देखिए पर आवर है, ठीक है, आवर को हमने मिनट में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया इनटू 60 कर दिया, तो 54 जा 60, 56 मिनट आ गया, मतलब 56 मिनट बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएगी, 7 बजे चल रही है तो 7 से 56 मिनट बाद, मतलब 7:56 मिनट पर दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी, यही आंसर है आपका। सही है, नहीं आया समझ, बिल्कुल सर के ऊपर से, सर के ऊपर से गया, कोई नहीं, हमें ये पता है कि ये ट्रेन 5 बजे जा रही है और पहुंच रही है 9 बजे, 4 घंटे में इसने अपनी पूरी दूरी तय कर ली, हमें नहीं पता वो दिल्ली से मेरठ की दूरी कितनी है, वो नहीं पता, ठीक है, वो हमें नहीं पता। ऐसे ही ये फर्स्ट ट्रेन का है, जो सेकंड ट्रेन है उसने 7/2 घंटे लिए हैं, लेकिन वो मेरठ से दिल्ली गई है, और जो डिस्टेंस, सीधी सी बात है, अगर ये 28 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तो ये भी 20 किलोमीटर होगा, मतलब जितना ये होगा डिस्टेंस उतना ये होगा, ठीक है। अब किलोमीटर में खेल रहे तो टाइम में भी खेलिए ना, इसने 4 घंटे लिए, इसने 3.5 घंटे लिए, तो 3.5 घंटे तो ये 2 घंटे में जितने दूरी कंप्लीट करेगी उस वो 1.5 घंटे में कर लेगी। हमें क्वेश्चन को अज्जू जी इजी वे में समझना है ताकि जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो जाए वहां बैठे हुए। मैंने 700 किलोमीटर मानी थी दोनों के बीच की दूरी। आपने 700 इसलिए मान लिया इस 7 के जैसे 100 से मल्टीप्लाई ऐसे ही मान लिया था, आप कुछ भी मान लो जो दोनों को डिवाइड करे, दोनों से मतलब डिवाइड हो जाए इजीली, ठीक है। तो अब देखिए हमें पता है एक ट्रेन की टाइमिंग लगी फर्स्ट की 4 घंटे, दूसरे की 3.5 घंटे, ठीक है। तो अब ऐसे में दूरी मैंने बताया वो ही आप लेट करना, ऐसे में दूरी माननी पड़ती है, तो दूरी वो ही लेट करना जो दोनों संख्या को आराम से मतलब इससे वो संख्या डिवाइड हो जाए। तो आप मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हम बढ़ते गए ऐसे, देखा भाई कुछ नहीं 28 ये दोनों का एलसीएम सीधा ले लो ना, ऐसे कैलकुलेशन मन में करने बैठोगे हो सकता है टाइम लग जाए, तो आप 4 और 7 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम जब आएगा हमारा 28 आएगा। तो हमने दूरी मान ली टोटल डिस्टेंस, अब आपके पास डिस्टेंस नहीं था अब तक दिल्ली और मेरठ या दिल्ली पटना के बीच में डिस्टेंस दे रहा था, अब यहाँ पर डिस्टेंस आपने निकाल लिया कि भाई वो 28 किलोमीटर है, ठीक है। अब उन क्वेश्चनों में एक चीज और दे रहा था भाई, उनकी चाल और दे रहा था ट्रेन की, अब यहाँ पे चाल भी नहीं है हमारे पास तो निकल जाएगा भाई, क्यों हमारे पास डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइमिंग है ही, और चाल के लिए फॉर्मूला क्या है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम ही तो होता है, तो डिस्टेंस हमारा 28 किलोमीटर, टाइम हमारा 4 आवर, तो उसकी स्पीड आ तो गई 7 km/h, ऐसे दूसरे ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 8 km/h, ठीक है। अब क्वेश्चन पिछले के जैसा बन तो गया, 1 किलोमीटर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सुबह 5 बजे चलती है, दूसरी ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 7 बजे निकलती है, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी 28 किलोमीटर है, तो दोनों एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे, बन गया वही सेम क्वेश्चन, 28 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे ना, 28 डिवाइडेड बाय 15 कैसे, हां यही तो है, अगर पिछली बार के देखा जाएगा, पिछली बार के नहीं, दोनों के दोनों के डिस्टेंस की दूरी, वहां पर हम क्या कर रहे थे T निकालने के लिए, D कितना है, D 28 थोड़ी रहेगा, D कम हो जाएगा, 14 किलोमीटर हो जाएगा। रुकिए सर जी, जैसे यानी कि आपने बोला कि हाँ ये 5 बजे निकली है, तो दोनों के बीच की दूरी समान कब रहेगी, कि जब ये 7 बजे, ये भी 7 बजे निकले, ये भी 7 बजे निकले, तो ये 2 घंटे में इसने 14 किलोमीटर, तो 28 में 14 घटा लीजिए 14 आ गया, अब 14/2 में हम करेंगे ना, ठीक है, 14/15 और वो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 किया था, बेशक तो मत करो, वो पॉइंट में आ जाएगा, उतना पॉइंट में जोड़ देना आप लोग, ठीक है, क्लियर है क्या सभी का? यस, वैसे मैंने ऐसे अज्यूम 120 किलोमीटर ऐसे अज्यूम किया था दोनों से कट जाएगा, वैसे डिफरेंस था एक 4 घंटे था, 3.5 घंटे था, तो उससे गड़बड़ा गई।
ठीक है ओके ग्रेट। मेरी ट्रेन तो बुलेट ट्रेन में चल रही थी सर, स्पीड में एक की स्पीड थी 175 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की थी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। हम्म, दूरी 700 किलोमीटर ली थी ना। हाँ वो आपने उसी हिसाब से कर लिया, सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से हमारे क्वेश्चन का टाइप हो गया चेंज, ये नेक्स्ट टाइप है आपका, टाइम स्पीड से रिलेटेड जो टाइप है यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर है प्रारंभिक बिंदु, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे वे सब कब मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। कि तीन पर्सन है, एक वृत्ताकार पाथ है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है, उस सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो ये तीन पर्सन है, मान लीजिए यहां से चलना शुरू करते हैं, तो किसी की स्पीड जो है 50 मीटर पर मिनट, किसी की 20 मीटर पर मिनट और किसी की 24 मीटर पर मिनट, तीनों अलग अलग चाल से यहां से चलना शुरू करें, तो कह रहा है कि तीनों वापस एक दूसरे से, अब पहली बार में तो ये कोई यहां पे पहुंचे, कोई यहां पे, कोई यहां पे, क्योंकि किसी की स्पीड ज्यादा है, किसी कम है, किसी की और कम है, तो ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि तीनों वापस फिर कब मिलेंगे एक जगह, जैसे पहली बार जब चले तब मिले थे, तो वापस पहली बार फिर कब मिलेंगे चलने के बाद, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। करके देखेंगे आप लोग, कीजिए। इजी क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। कोई नहीं, अभी रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उस घंटे बाद सर, कितने घंटे बाद? आवाज आपकी कट गई, एक बार वापस या तो मैसेज कर दीजिए आप। नहीं नहीं जैसे सर इंडिविजुअल का तो आ गया कि भला इतने इतने मिनट देखिए कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए, और पिछला क्वेश्चन भी मैं रिपीट कर दूंगा इसके बाद, इश्यू रह गया है किसी का, कोई कोई दिक्कत नहीं। देखिए सर मेरा सही आया है क्या, 6 hours? नहीं जी, कोई नहीं। देखिए अब ध्यान से, फर्स्ट पर्सन जो है, ठीक है, वो जा रहा है, उसकी स्पीड क्या है 50 meters per minute, ठीक है, 50 meters per minute एक मिनट, राइट, ठीक है। एक मीटर की दूरी तय करेगा 1/50, टोटल दूरी कितनी है 600, तो 600 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल किया, कैंसिल करने पर ये आ गया 12, तो 12 मिनट में पहला बंदा जो है एक सेक्टर पूरा काटेगा। फर्स्ट पर्सन जो है 12 मिनट में एक रेवोल्यूशन पूरा कर रहा है। सेकंड पर्सन का ऐसे ही निकाला हमने, तो उसका आ गया 600/20 = 30 minutes, 600/20 कितना आ गया उसका, 30 मिनट आ गया सेकंड पर्सन का,
ठीक है, ऐसे ही हमने थर्ड पर्सन का निकाला तो थर्ड पर्सन का जो आ गया आपका कितना 600 अपॉन में 24 मीन्स 25 मिनट। तो फर्स्ट पर्सन तो अपनी फर्स्ट एक रेवोल्यूशन 12 मिनट में, सेकंड पर्सन एक रेवोल्यूशन 30 मिनट में, और थर्ड पर्सन एक रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर 25 मिनट में पूरा करेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको निकालना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर या दोनों तीनों कब मिलेंगे, ठीक है, तो कब मिलेंगे तो इसमें क्या करना, अब आपको तीनों का एलसीएम ले लेना। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका इसका एलसीएम एलसीएम जो आएगा 300 आएगा। 300 किस में होगा, मिनट में होगा, क्योंकि सारी यूनिट हमारी मिनट में है, तो 300 मिनट। और 300 मिनट को जब आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 आवर। दिस इज द आंसर। क्लियर है? मैंने इसका भी एवरेज निकाल दिया था। एवरेज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। वही तो मैंने लिया तो एलसीएम ही था सर, लेकिन मैंने क्या पहले ले लिया 50 का, 20 का और 24 का। हाँ, वो गड़बड़ कर दिया। ये क्वेश्चन पहले बार मैंने 12 30 और 25 का जोड़ा, वो गलत किया आपने शुरू में ही। देखिए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है सभी का? क्लियर है। ठीक है, अब हम एक बार वापस पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि किसी का डाउट रह गया था और मैंने आपको कहा मैं डाउट किसी का नहीं रहने। बोर तो नहीं होंगे वापस आप लोग? नहीं होंगे। चलिए देखिए, पूरा मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, अगर किसी और का भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो वो आपकी बार क्लियर हो जाएगा। एक ट्रेन है दिल्ली से मेरठ के लिए चल रही है, दिल्ली से मेरठ जा रही है, ठीक है, और सुबह 5 बजे चली है ये ट्रेन, सुबह 5 बजे, ठीक है, 5 AM पर निकल गई। और मेरठ से दिल्ली के लिए जो ट्रेन चली है वो चली है सुबह 7 बजे। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि हमें क्या करना है, पहले दोनों ट्रेनों को एक साथ चलाना है। अब एक तो 5 बजे चल रही है और एक 7 बजे चल रही है, ठीक है, तो हम इसे भी 7 बजे तक लेके आएंगे। ये बज गए 7, 5 से 7 के बीच में 2 घंटे का हो गया अंतर। तो अब हमें तो पता ही नहीं 2 घंटे में कितनी चलेगी, क्योंकि इस ना तो इस ट्रेन की स्पीड पता है, ना तो इस ट्रेन की चाल है, ना इस ट्रेन की चाल है हमारे पास, किसी भी ट्रेन की चाल ही नहीं है। तो चाल निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, कि जो फॉर्मूला होता है हमारा, अरे ये तो फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, वो कौन बताएगा? प्रिया जी आप बताइए क्या होता है स्पीड निकालने का फॉर्मूला? हमारे पास है भाई, 5 से 9 बजे पहुंच जा रही है, 4 घंटा है, लेकिन अब डिस्टेंस नहीं है तो ये भी लफड़ा है। तो ऐसे में हमने क्या किया था, पहले इसका डिस्टेंस निकाला था, ठीक है, ऐसे में हमने इसका डिस्टेंस निकाला था। डिस्टेंस निकाला क्या, हमने उसे मान लिया। अब माना कैसे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन 4 घंटा लेती है और एक ट्रेन 7/2 घंटे या 3.5 घंटा लेती है, तो ऐसे में कभी भी भिन्न वाला आ जाए, ठीक है, इस टाइप से आपके P/Q के फॉर्म में या A/B के फॉर्म में आ जाए और उसका एलसीएम लेना हो, तो आप ऊपर ऊपर वाले का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। मतलब या तो एलसीएम ले लीजिए या ऐसी संख्या लेट कर लीजिए जो 7 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। जैसे सिवेन जी ने 700 ले लिया था, मैंने 28 लिया था, तो कुछ भी लेट कर लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो 28 आ गया, वो दूरी ही मैंने 28 मान, जो एलसीएम आया ना, जो 4 और 7 का एलसीएम आया उसी को मैंने दूरी मान ली, तो 28 आया एलसीएम, 28 को मैंने दूरी मान ली। हमने अभी पढ़ा था स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस आ तो गया, हमने मान लिया 28, टाइमिंग 4 घंटे ले रही थी वो ट्रेन, तो उसकी चाल आ गई,
7 किलोमीटर पर आवर। ऐसे दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड निकाल ली, डिस्टेंस है ही हमारे पास, टाइम उसने कितना लिया है, 10:30 बजे, 7 बजे चल रही है, 10:30 बजे पहुंच रही है, 3.5 घंटा लिया, मतलब वही ठीक है, 3.5 घंटे ले रही है ना। हेलो जी सर, जी सर, 7 बजे निकल रही है और ये सुबह 10:30 बजे पहुंच रही है, तो 3.5 घंटे का मतलब 7 अपॉन में 2 है, तो ये 2 ऊपर चला गया, 7 4 जा 28, 4 2 जा आ गया 8, इसकी भी स्पीड आ गई दूसरे ट्रेन की। बस अब देखिए क्वेश्चन पिछले के जैसा बन गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, रिलेटिव स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला था वहां पे, डी अपॉन में टी था, और टाइमिंग निकालने के लिए क्या था, डी अपॉन में आर एस, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने अभी माना कितना था भाई, 28, लेकिन 28 अब थोड़ी बचा क्योंकि 2 घंटे में कितना कवर करेगी, 14 किलोमीटर। इस वाले ट्रेन की चाल है 7 किलोमीटर, अभी हमने निकाला पहले ट्रेन की जो चाल है 7 किलोमीटर पर आवर आई थी भाई, और 5 से 7 बजे तक 2 घंटे में 7 के हिसाब से 14 किलोमीटर की दूरी तय करेगी या नहीं करेगी। टोटल 28 था, 28 में से 14 घटा दिए, 14 घटा दिए, तो 14 ही तो बचा, तो डिस्टेंस हमारा आ गया कितना, 14 किलोमीटर। और आपका रिलेटिव स्पीड जो है, स्पीड कितनी है उसकी, दोनों को जोड़ देते थे अब तक 8 और 7 15, तो अब आप चाहे से आवर में ही रहने दीजिए, और मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ गया 56 मिनट। यही आंसर आ रहा था उस मिनट, 7 घंटे 56 मिनट, 7:56। हाँ 7:56, क्लियर है। Yes, sir. अगर डाउट क्लियर है तो मैसेज कर दीजिए आप लोग, जिसका भी डाउट था वो मैसेज कर दे प्लीज। सर एक दो क्वेश्चन उस टाइप का करा दो जो भी सर्कल वाला कराया था। बिल्कुल, अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ग्रुप में मेरे नंबर है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कभी भी, मैं आप लोगों को पर्सनली बता दूंगा कि कैसे वो क्वेश्चन हुआ या कैसे नहीं। होता है क्या, कई बार सोचते हैं ग्रुप में काफी बैठे हैं हम लोग कहें तो थोड़ी इंसल्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, इसी के बिहाफ पर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसकी यूनिट क्या दे रखी है वो ध्यान से पढ़ना आप लोग, फिर उसके बाद आप लोग निकालना इसका कैलकुलेशन करना। इसका एलसीएम कैसे आएगा धर्मेंद्र जी? बड़ा फॉर्म है ये सर, न्यूमरेटर कॉमन करके निकालेंगे क्या इसमें? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वही कर रहा था। देखिए कोई नहीं, मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। टोटल डिस्टेंस हमारा 12 मीटर, ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं। फर्स्ट व्यक्ति की जो स्पीड है 25 मीटर जा रहा है 1 सेकंड में, 1 मीटर गया 1/25, और 12 मीटर गया
ठीक है, क्लियर है? हाँ 0.48 जी सर, 0.48 0.48 तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे में क्या करेंगे, जो आपका मीटर दे 0.48 है, या अगला जो आएगा आपका 0.24 आएगा, उसके अगला आएगा 0.20 20 कैसे आएगा सर? 0.12 डिवाइडेड बाय 7 आएगा, तो फिर उसके हिसाब से तो एक मिनट 1.71 आएगा। अच्छा 7 है ये, हाँ तो 1.71 आ जाएगा। हाँ सेवन से कटेगा ही नहीं पूरा कभी। हाँ कोई तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, 70 70 हो जाएगा सर ये तो। एक मिनट क्वेश्चन में चेंज करता हूँ थोड़ा सा। आप तो आंसर क्या है? 75 होना चाहिए, 75 मीटर पर सेकंड। देखिए इसका आप लोग कीजिए यहाँ पर 1200 और यहाँ पर आप लोग कीजिए 60 मीटर। 7 नहीं 60 मीटर हम कीजिए, 75 कर लिए, 60 कर लीजिए। अब सॉल्व कीजिए इसे। अब तो आ गया आंसर, सही है। ग्रेट, 4 मिनट बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन में गड़बड़ था आपका शुरू में जब, ठीक है, इसलिए आप लोग नहीं कर पाए। सेम है, देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट पर्सन की, बिल्कुल सही आ रहा है सभी का, फर्स्ट पर्सन की स्पीड जो है, जैसे टोटल डिस्टेंस अपॉन में, ठीक है, 25 का जब करेंगे तो उसकी जो टाइमिंग आ जाएगी 48 सेकंड में, वो एक रेवोल्यूशन पूरा करेगा। सेकंड पर्सन की आएगी जो 1200 अपॉन में 50 के हिसाब से 24 सेकंड के अंदर एक चक्कर एक रेवोल्यूशन पूरा करेगा। थर्ड पर्सन का ऐसे ही 1200 के हिसाब से उसका 20 सेकंड के अंदर 1 रेवोल्यूशन पूरा करेगा। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पर हमारा आएगा 240 सेकेंड, और 240 को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मिनट आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है ये। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, अब ये सेम इसी बिहार पे है जैसे पिछला गया है, ये भी कर सकते थे, क्वेश्चन गलत नहीं था, लेकिन मैंने वो सिंपल डेटा दिया था, वहां पे गड़बड़ हो गया था, टाइपिंग में इशू हो गया था, उस टाइप का आता है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है 2010 में भी आया है और 14 में भी शायद आया है, 10 में तो डेफिनेटली आया है। अब ऐसे में आप लोग कंफ्यूज होंगे मुझे पता है, क्योंकि पिछले के जैसा ही है। तो देखिए तीन व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर पास करने दें, ठीक है, कीजिए कीजिए कीजिए।
सर जी दोबारा एक बार क्या ये क्वेश्चन? हाँ हाँ इसके पहले वाला क्वेश्चन मैं था ही नहीं उसमें। कोई नहीं ये कर लीजिए फिर उसके बाद वापस रिपीट कर दो। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ कंफ्यूज होंगे आप लोग क्योंकि इसका वही सेम x अपॉन y या p अपॉन q के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक हो रहा है इसमें हो रहा है ना सेम? एक्सप्लेन कर देखिए अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे थोड़ा। देखिए अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है आपका तो पहले तो वही सेम है हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट पर्सन का एक रेवलेशन निकाल लेते हैं। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे टोटल 11 है। तो एक चक्कर की अगर बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा 11/4 होगा ना फर्स्ट वाला? जी सर। ये तो सबको पता है 11/4 कहाँ से आया। हाँ। ऐसे ही हमारा आ गया 11/5.5 या फिर ऊपर 10 कर दिया बराबर ये आ गया आपका 24। नहीं 24 नहीं दो आएगा 22 आएगा ना दो आएगा ना। हाँ ओनली टू सर थ्री टू सॉरी हाँ सही टू आएगा टू 11 से 11 कैंसिल आपका 2 आ गया राइट। ठीक है क्लियर है यहाँ तक? तीसरा जो है 11/6 अब हमारे पास 3 वैल्यू आ गई 11/4 2 और 11/6। अगर इस टाइप की सिचुएशन आपके पास आती है और इस टाइप का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे ऊपर वाले का तो एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएम। ठीक है 11/2 11 का जब एलसीएम निकालेंगे आप तो एलसीएम तो आ जाएगा उनका 22 और 4, 1 और 6 ठीक है इनका आप एचसीएफ निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1 आएगा। ठीक है क्योंकि अगर 2 मान लीजिए 2/2 होता तब आता 2 ठीक है तो एचसीएफ 1 आ गया। अब ये आ गई हमारी टोटल 22 घंटे की उसकी टाइम और यही तो निकालना था। क्लियर है? अब मतलब कभी भी ये आपको बस ध्यान देना है अगर इस फॉर्म में आ जाता है और उसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का तो एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। सर दो दो आएगा ना सर एचसीएफ दो दो आएगा 4, 1, 6 का। जी सर करके देखिए 4, 1, 6 का 2 × 4 2 × 6 2 × 1 3 और फिर उसके बाद 3 दो आया ना सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे देखा जाए तो इसने 1 को लेट करके कर रखा है। देखिए वैसे देखा जाए ना अगर मान लो मैं अगर कहूं आपको 4, 2, 6 का एचसीएफ क्या आएगा निकालना आप लोग 4, 2, 6 का एचसीएफ इसका भी 2 आएगा इसका 2 आएगा। होता है क्या सबसे छोटा कॉमन फैक्टर देखा जाता है और सबसे छोटा कॉमन फैक्टर 4, 1, 6 में क्या है 1। ठीक है वैसे तो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे छोटा कॉमन फैक्टर देखेंगे जैसे 4, 1, 6 में सबसे छोटा कॉमन क्या है 1 ही तो है क्योंकि इसमें 2 है। तो ऐसे ही अगर 4, 2, 6 होता तो इसका आ जाता 2 तो इसलिए वहां पर अपॉन में जो सर अगर अगर हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं एचसीएफ का अगर ये किसी में भी आ गई तो 1 ही रहेगा सर। हाँ तो एचसीएफ तो हर किसी में बनी रहेगा सर फिर तो 1 ही रहेगा नहीं रहेगा अगर नहीं अगर आपके मान लीजिए यहाँ पे संख्या अगर चेंज हो जाती है ये कहाँ गया कितना भी कर लो सर अगर आप सबसे छोटा वैसे तो हाँ, लेंगे तो बन ही रहेगा सर। वैसे आपका 1 आना ही है क्योंकि हर संख्या में 1 तो आता ही है नॉर्मल। जी सर एक क्वेश्चन मतलब सर नहीं नहीं इसको ऐसा ना इग्नोर भी कर सकते हैं हम। हाँ एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको आपको सर 2 आएगा सर इसमें इसमें भी 2 ही आएगा सर 2 ही आएगा इसमें भी ऐसे हुआ एचसीएफ
जो आपने पहले वाला बताया था। देखिए वैसे एचसीएफ 2 आएगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा एचसीएफ 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, मिनिमम लेके चलना है जो कि कॉमन है, और 1 ही आएगा तो वहां पे आपको 1 ही रखना है। आप अगर 22 अपॉन में यहाँ पर 2 रखेंगे तो 11 आवर आएगा, जो कि आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअली एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो हाँ जी धर्मेंद्र जी, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, उससे सबका क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ पर सजेस्ट करिए, यहाँ लिखिए 4 लिखिए पहले, इस इक्वल लिखिए 2 × 2, नीचे लिखिए 6, 2 × 3, फिर लिखिए 1, 1 × 1 ही तो आएगा ना यहाँ पर। अब इन सब में ढूंढो सबसे ज्यादा कॉमन कौन है, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये भी सही है। या फिर जैसे अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 5 3 1 की बात करूं तो इसमें भी तो 1 ही आएगा। ठीक है, अगर और मैं यहां, और चीज़ है यहां पर मान लीजिए अगर मैं 2 दे दूं तो फिर क्या आएगा, तुरंत 2 आ जाएगा, फिर तो सर 2 हो जाएगा, तुरंत 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज बता रहा था मैं आप लोगों को, जो अभिषेक जी ने क्लियर किया है यही चीज थी। ठीक है, क्लियर है अब? जी सर, हाइट सबसे ज्यादा जो होता है वही दिखाया था इसमें, मिलता जुलता सबसे ज्यादा क्या है, इसमें आपका एक ही तो मिल रहा है ना, और तो कुछ मिल ही नहीं रहा, मैच ही नहीं हो रहा, तो कॉमन कहां से आ जाएगा। वो शायद अभी भी डाउट रह गया है आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। करिए किसी का भी अगर एलसीएम निकालना हो तो आप उस मेथड से ना निकाल के पहले उसका अलग अलग फ्रैक्शन कर लीजिए, कभी भी अलग अलग कीजिए। एक साथ अगर आप करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मतलब, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर अलग अलग उसका फ्रैक्शन करके और फिर उसके बाद अगर आप उसमें कॉमन निकालेंगे ना, तो एचसीएफ आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। सर ऐसा भी करते ना तो आ ही जाता, क्योंकि एचसीएफ का मीनिंग ही वो होता है ना जो जो सबको डिवाइड कर दे, तो वहां पर भी आ ही जाता। हाँ, तो वहां पर भी हमने जो आपने 2 से डिवाइड करना शुरू किया था ना, वो तो पहले ही गलत था, क्योंकि बीच में 1 था तो 2 से तो वो जाएगा ही नहीं, तो वो 1 ही आएगा वहां पर भी। 2 से कहां पर किया था, मेरे को ध्यान नहीं है। कोई नहीं, करिए इस क्वेश्चन को करिए, अगर इसका आंसर आप लोग ले आए तो मतलब आप कंसेप्ट को समझ चुके हैं। जो मैंने एलसीएम लिखा है कहीं आप लोग इसका एलसीएम मत निकाल लेना। दस मिनट की और क्लास है, उसके बाद सेशन हमारा एंड हो जाएगा, क्वेश्चन के टाइप आज के फिनिश हो जाएंगे। 3.33 नहीं, गलत आया है आपका, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रखा, हल्का सा चेंज है। देखिए हम जो अब तक कैल्शियम निकाल रहे हैं ना, वो किसका निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल के ही तो निकाल रहे हैं। स्पीड मतलब सबकी चाल, ठीक है। अब सर ये 12/60 तो नहीं करते थे, 12/60 मिनट, 18/60। अब भाई अगर मैं बात करूं, ये एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, उसी हिसाब से होगा कि जैसे 12 चक्कर 12 रेवोल्यूशन पूरा कर रहा है आपका। आंसर देखना एक बार सर, 10 मिनट है। सही है सही है, 12 रेवोल्यूशन पूरा कर रहा है आपका 1 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट, राइट? तो 1 रेवोल्यूशन पूरा करेगा आपका 60 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 5 मिनट में। ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरा वाला 16 अपॉन में 18 इज इक्वल टू आपका 10 अपॉन में 3 आ जाएगा ये। ठीक है, ये दूसरे पर्सन की, और ये तीसरे पर्सन के क्या आ जाएगा, 60 अपॉन में 30 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो तीनों आ गए ना, एक 5 आ गया हमारा, एक 10 अपॉन 3 आ गया और एक 2 आ गया। अब इसका अगर मैं एचसीएफ की बात करूं,
तो क्या आएगा HCF और क्या आएगा LCM बताइए। इतना कॉम्प्लिकेटेड किस लिए करना, सीधा घंटा में निकालो सर। 10 HCM आएगा, 1 HCF आएगा, ये घंटे में ही आ गया आपका। 1/12, 1/18, 1/30, और वो भी सही है, बात वही है, ये मिनट में कन्वर्ट। जी सर, 10 मिनट। LCM आ गया 1, HCF आ गया 6, 1/6 आ गया घंटे में, मतलब कि हो गया 10 मिनट। क्वेश्चन क्या सभी को समझ में आ गया यहाँ पे? आप LCM आ गया 10, HCF आ गया 1, आंसर आ गया 10, ये आएगा। क्लियर है, 10 मिनट सही है ना सर? हाँ जी बिल्कुल सही है। आप मुझे एक एक कैंडिडेट बता दीजिए, क्या सभी का ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन क्लियर है? जी सर क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। आप लोग 15 कैंडिडेट बैठे हैं, 15 में से कोई भी नहीं बचना चाहिए। अगला सर, एक दो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के बच रहे हैं हमारे, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी निश्चित दूरी को तय करने में कोई ए बंदा है, ए पर्सन है, और उसकी स्पीड जो है, ठीक है, और बी के सापेक्ष में उन दोनों की स्पीड का जो रेशियो दे रखा है 3:4 है, और कह रहा है कि जो ए टाइम ले रहा है वो बी से, ठीक है, मोर देन बी, बी से ज्यादा टाइम ले रहा है, कितना, ठीक है, यहाँ पे 30 आएगा, 30 मिनट ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए, ए द्वारा लिया गया मतलब जो समय है दूरी को तय करने में, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो उसकी टाइमिंग है, टाइम टेकन, वो आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो करके देखेंगे आप लोग या फिर सॉल्यूशन कराऊं इसका? जी सर करते हैं, करते हैं ना सर। जी करिए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अभी आपको बता दूंगा वापस बैक क्वेश्चन जो है। इसे मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल, और इसके लिए मैं अभी इस क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शन भी दे देता हूं, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट, 150 मिनट, चार ऑप्शन आपके पास। देखिए जल्दी करने का तरीका बता देता हूं। स्पीड ए और बी का जो रेशियो दे रखा है स्पीड का 3:4, टाइम का जो आएगा जो इनके अपोजिट कर दीजिए, ठीक है, 4:3 मान लीजिए, क्लियर सी बात है। वापस इसे हटा देता हूँ, ए और बी क्रमानुपाती, स्पीड 3:4, टाइम का हमने कर लिया 4:3, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन में इसने कहा है कि ए जो है बी से ज्यादा टाइम ले रहा है 30 मिनट, दोनों में डिफरेंस वैसे एक का है ना, एक में उनके 30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, और ए ने जो टोटल जो उसका रेशियो है आपका, मतलब सॉरी जो ए की जो वैल्यू है आपकी 4 है, तो 4 घंटे में टोटल उसका कितना आ गया, मतलब 4 × 30 टोटल जो हो गया आपकी 120 मिनट की उसकी टाइमिंग होगी। सिंपल सा है, कोई भी क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, इन दोनों में गैप देख लो, जो वैल्यू दे रखी है कि 30 मिनट फालतू है तो वो गैप जो होगा वो उसी के इक्वल होगा, और फिर जो जिसके सापेक्ष में पूछा है, ए का ही पूछा है तो ए की वैल्यू 4 घंटे में, ठीक है, तो 4 गुना में जो आपका डिफरेंस है वो कर लो आप, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। ये एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक से मैं
तरीका बता रहा हूँ। इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन भी ऐसे किए जाते हैं सर। हाँ वो भी कर सकते हैं बिल्कुल। एक और क्वेश्चन इसी के यहाँ पर देता हूँ। अच्छा पहले बताइए ये क्लियर हो गया? एक पिछला क्वेश्चन भी बच रहा है, एक्चुअली किसी का प्रॉब्लम है इसलिए। ये क्लियर हो गया क्या? मुझे जवाब ये वाला क्लियर हो गया जी। श्वेता जी आपका क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है। प्रिया जी आपका ठीक है? ओके गुड। मैं एक बार पिछला क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, इसमें डाउट रह गया। देखिए 12 चक्कर काटे जा रहे हैं, 12 चक्कर काटे जा रहे हैं, 12 रेवोल्यूशन पूरा हो रहा है एक घंटे में। एक घंटा ही रहने दीजिए बेटा, ठीक है? एक घंटा ही रहने दीजिए। एक रेवोल्यूशन पूरा होगा 1/12। क्लियर है ये? हाँ जी सर। ठीक है, एक रेवोल्यूशन आपका पूरा हो गया, आपका ये 1/12। ऐसे ही 18 चक्कर पूरे हो रहे, 18 रेवोल्यूशन पूरा हो रहे 1 आवर। 1 रेवोल्यूशन पूरा हुआ 1/18। ऐसे ही तीसरा आपका क्या हुआ 1/ कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था। कोई भी रिपीट करेगा क्या बताया था मैंने ऐसे में? ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। अब 1/18, 1/30 और 1/12 ऐसे बताना क्या इसका आंसर क्या आएगा? एलसीएम एक आएगा, एलसीएम एक आ गया, और एचसीएफ एचसीएफ 6 आएगा सर। 6 समझ गए? तो इसीलिए हमने क्या किया था शुरू में, मैंने इसे क्या किया था, इसे 60 मिनट में कन्वर्ट किया था, क्योंकि ऐसे में ये पेचीदा हो जाता है। ठीक है, तो सही है ना सर? 1/6 आवर्स मतलब 10 मिनट तो ही गए सर। आपकी बात सही है, ऐसे में ये पेचीदा हो जाता है। जैसे 1/6 आया ना आपका, कई लोग समझ जाते हैं और कई लोग नहीं समझते कि 1/6 क्या है। अब या तो यहीं पर इसे आप 1/6 घंटे मिनट में कन्वर्ट कर लो। मिनट में कन्वर्ट करते ही कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे? 60 से। तो कैंसिल होने पे कितना आ गया? 10 मिनट। ठीक है, यही हमारा आंसर था। तो मैंने क्या किया था शुरू में, पिछले वाले में इसे 1 घंटा = 60 मिनट मान के किया था। तो वहां पे 60/18 आ रहा था, एक एक 60/ आपका कितना था, 60/12 आएगा, एक 60/30 आएगा। तीन वाले थी ये चार थी। तो उस समय मैंने क्या किया था, इन तीनों को काटने पे जितना भी आ रहा था उसका एलसीएम लिया था सेम। अब क्या क्लियर है? अब क्लियर है? जवाब दे दीजिए मुझे। ओके ओके ठीक है ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे टॉपिक। करके देखिए इसे आप लोग। इसका भी मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूं। सिक्सटी, 40, 75, 80 किलोमीटर पर आवर में है ये सारे।
ये जो क्वेश्चन है वैसे इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत कम आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, रेलवे के एग्जाम में आते हैं, इनमें आपको ज्यादातर देखने के मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। यूपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन के चांसेस जो होते हैं बहुत कम। आंसर नहीं, थोड़ा कैसे कर दिया, थोड़ा गलत हो गया सर, मैं दोबारा भेज रहा हूँ, थोड़ा गलत हो गया लिस्ट। अभी देखिए सर, अभी भी गलत है, मैंने ऑप्शन दिया, ऑप्शन में तो आपका मैच ही नहीं हो रहा, देखिए। अच्छा ठीक है सर, ओके समझ गया। कैसे आएगा, जो मैंने पिछला कंसेप्ट बताया था, देखिए क्या दिया है, स्पीड ऑफ जीप ठीक है is 250% more than the speed of the tractor. दिख रहा है वैसे ही, यहीं से वैसे ही दिख रहा है कि जीप की जो स्पीड है ट्रैक्टर की स्पीड के 250% एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। Which covers 360 किलोमीटर इन 12 आवर, मेन ये चीज है, 360 किलोमीटर जो है आपका 12 आवर में कंप्लीट कर रहा है, 1 आवर में मतलब 30 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कंप्लीट की, ठीक है। तो इसने देखिए ट्रैक्टर का जो आया किसका है, ये स्पीड ऑफ द ट्रैक्टर विच कवर्स स्पीड ऑफ द ट्रैक्टर स्पीड ऑफ द जीप 250% इज मोर, ठीक है, लिखा है कि जीप की गति जो है ट्रैक्टर की गति के 250% है, जो 12 घंटे में 350 किलोमीटर तय करता है, ट्रैक्टर तय कर रहा है ना 12 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दो जो है आपका कितने के बराबर आया, मैंने कहा था ना जैसे जो गैपिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर ये दो जो आपका आया ये 30 के इक्वल आ गया, ठीक है, दो घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है, तो एक घंटे में कितना जाएगा, नहीं सर दो घंटे नहीं, एक घंटे में 30 जा रहा है, लेकिन वो अनुपात के रूप में दो है, अब वैसे कर लीजिए बात वही है, तो हाफ में आपका ये 15 हो गया, तो एक में आपका 15 आया, तो 5 में आपका आ गया 17 और 3 में आपका आ गया 45, ठीक है। अब इसने कहा है कार और जीप का जो रेशियो है अनुपात है दोनों का, तो इन दोनों को जोड़ दो ना, इनका जो एवरेज दे रखा है, एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं, और जोड़ते ही हमारा इनको आएगा 120, और अपोन में टोटल नंबर करते हैं तो 1+1=2 मतलब 60 हो गए, तो यही आपका आंसर। अच्छा वो 250 दिया है, उसको कोई मतलब ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप इसे देख के कंफ्यूज मत हो, इससे हमें कोई लेना देना, वो 250 तो पहले भी दिख रहा है 3:5 अनुपात में ही दिख जा रहा है, वो क्लियर हो जा रहा है, ये स्टेटमेंट अगर नहीं भी देता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सर ये 101 कैसे लिया रिलेशन आपने, देखिए मैं बताता हूँ, जैसे कि 3, 5 और 2 था, ठीक है, हमें ये पता है 360 किलोमीटर जा रहा है 12 घंटे में, एक घंटे में 30 किलोमीटर आया था, वो हमने निकाला था ट्रैक्टर का, एक घंटे में कह रहा हूँ मतलब यानी कि जो आपका इसका एक निकला या एक घंटा माने कुछ भी माने, तो ये जो एक किसके बराबर है, इस ट्रैक्टर का आया है ना 2 के बराबर मतलब 30, यहाँ पे 2 30 के बराबर है, तो एक आ गया आपका 15 के बराबर, एक 15 के बराबर तो 5 कितने 75 के बराबर, और 3 कितने 45 के बराबर, और इसने ये कहा है कार और जीप की औसत गति, औसत गति के लिए दोनों को जोड़ देते हैं बटे में उनका टोटल नंबर करते हैं, तो अपॉन में 2 बराबर 120 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 60, ठीक है। यस सर,
आज का सेशन हमारा यहाँ पर एंड होता है और स्पीड टाइम और डिस्टेंस के मोस्टली सारे क्वेश्चन और सारे टाइप में आप लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है। और कोशिश यही करना आप लोग कि इसके जितने भी क्वेश्चन मिल सके उनकी प्रैक्टिस करें, और मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि सीसेट के एग्जाम जो भी होगा परसों उसमें आप लोग इन इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है। बाकी कल का नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा, कल के सीसेट की क्लास और है, तो अगर आप लोग कहते हैं, कुछ बच्चों ने कहा है कि सर टाइम डेट का हमें रिवाइज करवा दीजिए, डेट वाला रिवाइज करवा दीजिए, तो अगर आप लोग कहते हैं तो कल मैं डेट का कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है सर। सर कौन सा टॉपिक करवाएंगे, अगर न्यू करवाएंगे तो समय भी चलो देखते हो क्या रेल वाली डेट का, कई लोग कह रहे हैं कि डेट का करवा दीजिए, टाइम डेट का दे डेट का तो एक दो क्वेश्चन करा देना सर क्या। हाँ कुछ टाइप करवा दूंगा ताकि आप लोगों का जल्दी हो जाए, ठीक है, क्योंकि कैलेंडर डेट का सर रीजनिंग में। हाँ कैलेंडर डेट रीजनिंग वाला, अच्छा वही मैं सोच लूं क्या डेट का। हाँ कैलेंडर डेट का है ये रीजनिंग का, मैं वैसे ये टॉपिक आप लोग तो पढ़ चुके हैं, करवा चुके हैं, लेकिन कुछ सर जिससे बढ़िया तो टाइम एंड वर्क का करवा दीजिए, रिपीट टाइम वर्क का करवा दो। एक्चुअली है क्या टाइम वर्क करा दीजिए, सी सेट के एग्जाम हुआ भी नहीं है सर, सी सेट के एग्जाम तो देखते हुए कह रहे थे टाइम वर्क भी करवा चुका हूं मैं सर। डेट वाले बहुत कमी आते हैं भैया, जैसा होगा ग्रुप में डिसाइड कर लेंगे ना, कोई नहीं, चलिए छोड़िए, मैं अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जो नहीं करवाया वही करवा दूंगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आने तो सारे ही हैं, ठीक है, तो जो नहीं करवाया तो कैलेंडर कोई क्वेश्चन नहीं आया था, एक बार ही कैलेंडर का नहीं आया, लेकिन उससे पहले आप पीछे उठा के देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आज हम सेशन को एंड करते हैं अब यहाँ पर, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।